खरीदने के लिए एसपी 125 ज़्यादा बेहतर बाइक रहेगी या फिर आपकी जो बजाज 125 सीसी पल्सर है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी? एंड तक देखिए। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्टडी चैनल में। मैं आपका प्यारा दोस्त मास्कमैन। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पल्सर 125 और एसपी 125 दोनों बाइकों के बारे में, और सिर्फ कंपैरिजन करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको मैं सजेशन दूंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। चलिए जल्दी से दोनों बाइकों के इंजन का रिव्यू कर लेते हैं। अगर पल्सर 125 सीसी की बात की जाए तो 8.68 किलोवाट का पावर है, 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और काफ़ी अच्छा है। ट्विन जो स्पार्क प्लग है, दो स्पार्क प्लग के साथ में 2 वॉल्व का 4 स्ट्रोक का जो DTSI इंजन है पल्सर का, वो काफ़ी दमदार और भरोसेमंद इंजन है इंडिया का, और पल्सर नाम भी काफ़ी भरोसेमंद है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एसपी 125 सीसी की। सिंगल स्पार्क 4 स्ट्रोक सिंगल वॉल्व का जो इंजन है आपका, वो 8 किलोवाट पावर देने वाला 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है आपका एसपी 125 सीसी का इंजन। देखिए इंजन के बारे में बात की जाए तो 125 सीसी के इंजन है भले ही दोनों, लेकिन पल्सर का इंजन पावर और टॉर्क के मामले में दोनों बराबर है, लेकिन भरोसे के मामले में पल्सर का इंजन ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर 2 स्पार्क प्लग हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं 2 स्पार्क प्लग, और 2 वॉल्व का इंजन है तो दमदार इंजन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए इंजन के मामले में आपका पल्सर का ज़्यादा अच्छा रिव्यू आने वाला है 125 सीसी के अंदर, ये मानकर चलिए। अब बात कर ली जाए ब्रेकिंग सिस्टम की, क्योंकि बाइक के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी लाइफ टिकी होती है। इस पर ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों में फ्रंट डिस्क जो है वो बराबर है, 240 mm का काफ़ी चौड़ा फ्रंट डिस्क है और रियर ड्रम ब्रेक है, दोनों ही कॉम्बी ब्रेक में आती हैं, लेकिन साथ में ब्रेकिंग सिस्टम व्हील बेस पर डिपेंड करता है कितनी बैलेंस ब्रेकिंग आपकी लगेगी। तो व्हील बेस के अंदर आपका 1320 mm का जो व्हील बेस है वो पल्सर का ज़्यादा है, तो ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपकी पल्सर 125 आपको दे सकती है। रही बात सस्पेंशन की, तो उसके अंदर भी आपके पल्सर के जो गैसियस जो रियर में जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा बेहतरीन है आपके। और अब बात कर ली जाए रीसेल वैल्यू की। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छा मैटर करता है रीसेल वैल्यू। दोनों ही बाइक की रीसेल वैल्यू लगभग 19-20 ही है दोस्तों, हालांकि पल्सर की इस समय मार्केट नहीं है तो पल्सर की रीसेल वैल्यू 19 रहेगी भले ही, लेकिन एसपी की भी कोई इतनी ज़्यादा रीसेल वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो शाइन जो है 125 उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन एसपी की रीसेल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी शाइन होंडा की है। ठीक है, होंडा शाइन की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है लेकिन एसपी की रीसेल वैल्यू कम है काफ़ी। इसीलिए बजाज 125 और एसपी 125 के बीच में आपको पल्सर 125 ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके खरीदने के लिए, वही आप खरीद लीजिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकिंग सिस्टम पल्सर का ज़्यादा अच्छा है, पल्सर इंडियन ब्रांड है, भारत का पैसा भारत में रहेगा, देशभक्त लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तीसरी बात, रेट में बहुत ज़्यादा सस्ती है, आपको 4,000 रुपये सस्ती पड़ेगी एसपी 125 सीसी से एक शोरूम प्राइस के अंदर ही। और चौथी बात आपकी ये है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी दमदार है, और पाँचवीं इसका फ्यूल टैंक 0.5 लीटर बड़ा भी है। अब पेट्रोल टैंक जितना बड़ा रहेगा उतनी लॉन्ग राइड पर आप ज़्यादा जा सकते हो ना दोस्तों। हालांकि फ्यूल की खपत जो है ऐसा नहीं है कि पल्सर में ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं, 125 सीसी के अंदर आपको वही 50-55 की माइलेज आपको हर गाड़ी दे ही देती है, और इतना ही होती है जेन्युइन में भी। और 125 एसपी में जो प्रॉब्लम है वो पल्सर 125 में नहीं होने वाली दोस्तों। और बात करें रेट की, तो पल्सर 125 ड्रम का जो रेट है वो 70,995 पड़ेगा आपको ड्रम का, और डिस्क का पड़ेगा 75,995, और एसपी डिस्क का पड़ेगा 78,607 जो प्राइस आपको पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से 4,000 सस्ती पल्सर है। अब जिसको ये वीडियो पसंद है वो लाइक करे और कमेंट करे, सब्सक्राइब भी करे। नमस्कार।